हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जो कि आप दीपावली या होली या फिर किसी भी फेस्टिवल पर आप इसको तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, ये है हमारे ब्रेड क्रम्स से तैयार की हुई मिठाई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और आप जब इसको खाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि ये किस चीज़ से बनी है। बिल्कुल हमारे ये जो मिल्क केक या फिर जो कलाकंद है, उसका फ्लेवर आने वाला है इसमें, तो आप इसको पहचान भी नहीं पाएंगे। और बहुत ही कम मिनटों में बनने वाली है हमारी मिठाई है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं, हम अपनी ये जो रोल है वो बनाने शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो कि हम कभी भी किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रेड, और ये लगभग 4 से 5 मैंने ब्रेड स्लाइस दिए हैं, जिसके जो कॉर्नर है वो कट कर लिए हैं। और इसको कट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसका ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। लेकिन ब्रेड को जब हम क्रम्ब तैयार करेंगे, उससे पहले हम इसको थोड़ी देर या तो फ्रिज में रख देंगे या फिर हल्का सा तवे पर सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा। या फिर सबसे ईजी है कि आप इसको तवे पर, सॉरी, फ्रिज में रख लीजिए। तो फ्रिज में रखने के बाद हम ब्रेड यूज़ करेंगे और ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 1 कप लिया है दूध लिया है, फुल फैट क्रीम, साथ में 1/3 कप हमने ले लिए है यहाँ पे शुगर, या टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप हमने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, कोई भी कंपनी का या ब्रांड का ले सकते हैं। और हमने 1 टीस्पून लेना है हमें घी। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैन या कढ़ाई लेंगे, और उसमें हम 1 कप जो मिल्क है उसको ऐड करेंगे, और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर लगभग 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने घी ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे कि अभी हमें गैस ऑन बिल्कुल भी नहीं करनी है, और हमें इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, लम्स फ्री बिल्कुल हमें इसको मिक्स करना है, और उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। अगर हम पहले ऑन कर लेंगे तो क्या होगा कि इसमें गांठें पड़ जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको ऐसे ही ठंडा ही मिक्स करेंगे, और फिर हम गैस फ्लेम ऑन करेंगे। तो मिक्स कर देते हैं चलाते हुए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा क्रम है वो भी तैयार हो गया है, और इसको भी हम साइड रख लेते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम जो है वो उसको ऑन कर लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं, और इसको कंटिन्यू हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। तो चला लेते हैं और दूध को गाढ़ा कर दिए। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा और कर लेते हैं। फटाफट बनने वाली हमारी मिठाई है, 10 से 15 मिनट में अच्छे से बन जाती है, और ये बहुत ही अच्छी मिठाई है। बिल्कुल खाने में आपको जैसे मिल्क केक या फिर आपका जो कलाकंद है उसका फ्लेवर आने लगता है खाने में, और आप इसको ब्रेड से तैयार कर रहे हैं साथ में मिल्क केक, और बहुत ही अच्छी लगती है, फटाफट बन जाती है। तो आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, और इस मिक्स से आप इसको रोल भी तैयार कर सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा गाढ़ा और कर लेना है चलाते हुए। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, 1/3 कप डालेंगे हम इसमें शुगर, और इसको हम चलाते हुए मेल्ट होने देते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और अब जो हमारा ब्रेड क्रम है वो ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं अपना ब्रेड क्रम, और इसको भी चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। और इसको चलाते हुए हमें और गाढ़ा करना है, यानी काफ़ी गाढ़ा करना है, ताकि जो हमारी पैन है या कढ़ाई है उसको छोड़ने लगे। इतना हम इसको गाढ़ा कर देंगे चलाते हुए। तो बहुत ही जल्दी देखिए गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा सा गाढ़ा और करना है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, और फिर बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट के ऊपर हल्का सा घी ग्रीस करके उसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही सेट होने के लिए बर्फ़ी की तरह डाल दीजिए किसी कंटेनर में, बर्फ़ी बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, या फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके आप इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम अभी थोड़ा और थिक करते हैं। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है, जो पैन है वो छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा, ताकि आपका हाथ ना जले और आप इसको कोई भी शेप दे दें। तो अभी हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। तो मैंने प्लास्टिक शीट पर ऑलरेडी घी ग्रीस किया हुआ था,
हल्की सी इसकी भाप निकाली और अभी थोड़ा गर्म है ये, तो अभी हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे इस तरीके से रोल करते हुए। तो अच्छे से ठंडा हो गया है और अच्छे से मिक्स भी हो गया है। हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे अपने हाथ पर और इसको हम देंगे कोई भी शेप दे देंगे हम। इसको क्या करा लंबा इस तरीके से रोल कर लिया है और अब ले रहे हैं हम यहाँ पर, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम ले लिए हैं, कट करके पिस्ता ले सकते हैं। और इसको आप इस तरीके से रोल कर लीजिए सारा, हम इसको कवर करना है तो ये कर लेते हैं। अच्छे से रोल कर लिया है और अब हमने इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं, लगभग सेट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये अच्छे से हमारा सेट हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये जो रोल है बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको क्या करेंगे अपने मनपसंद साइज में कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, जो कि हमने बिना मावे की बनाई है, मिल्क पाउडर, ब्रेड और मिल्क से। बहुत ही इजी है और 10 से 15 मिनट में आराम से बन जाती है और आप इसको कभी भी किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर खा सकते हैं। तो फटाफट बनने वाले ये हमारे रोल या फिर बर्फी या फिर लड्डू, आप किसी भी शेप में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं ये और देखने में बहुत ही सुंदर है। तो फटाफट बनने वाली रेसिपी क्यों ना ट्राई करें। तो चलिए आप इसको ज़रूर बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।